वेलकम माई YouTube चैनल क्लास 11 और 12 के नरेशन वीडियो में आज हम चेंज ऑफ प्रोनाउन इन नरेशन हम जानेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते समय हम प्रोनाउन को कैसे चेंज करेंगे। आइए देखते हैं। प्रोनाउन में हमारे पास तीन तरह के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन को हम स्पीकर कहते हैं, सेकेंड पर्सन को लिसनर और थर्ड पर्सन को हम टॉक अबाउट या नॉन एक्टिव। टॉक अबाउट मतलब मैं बोल रहा हूं, मैं फर्स्ट पर्सन यानी स्पीकर हूं, आप सुन रहे हैं, आप सेकेंड पर्सन लिसनर हैं, लेकिन जो न तो बोल रहा है और न सुन रहा है वह थर्ड पर्सन यानी नॉन एक्टिव, जो इस बातचीत में न तो एक्टिव है न शामिल है, या हम जो इसके विषय में बात कर रहे हैं वह टॉक अबाउट यानी थर्ड पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आते हैं? फर्स्ट पर्सन में आई और बी, आई को हम सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं और बी को हम प्लूरल सब्जेक्ट कहते हैं। अब जैसा कि आई कौन है, मैं इस समय आई हूं, मैं बोल रहा हूं, तो मैं अकेला हूं इसलिए मैं सिंगुलर हूं। यदि बोलने वाला एक कोई और मेरे साथ आता तो वह भी मेरे साथ आने के कारण हम दो हो जाते, तो हम क्या बोलते अपने आप को? बी। तो हम बोलते कि बी यानी हम सब आपको पढ़ा, आई ने बोला हम बी बोलते। क्यों? क्योंकि अब हम एक नहीं दो हो गए, इसलिए हम प्लूरल यानी बी का यूज करते हैं जो है पर्सन में, फर्स्ट पर्सन में। और फर्स्ट पर्सन का जो आई होता है इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, वी का अस होता है। ऐसे ही सेकेंड पर्सन में जब आप देखेंगे तो सेकेंड पर्सन में यू जो होता है वह सेकेंड पर्सन का सब्जेक्ट होता है और इसका प्लूरल भी यू ही होता है, यानी सेकेंड पर्सन में सिर्फ यू होता है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों काम करता है, और इसका ऑब्जेक्टिव केस भी दोनों का एक ही होता है यानी यू ही होता है। थर्ड पर्सन में, थर्ड पर्सन में ही सी इट, तीन को हम सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं और दे को हम प्लूरल सब्जेक्ट मानते हैं, और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, सी का हर, इट का इट और दे का देम होता है। इस बात को हम स्पीच में यानी डायरेक्ट स्पीच में देखते हैं कि कैसे हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। पहले आप समझिए कि यह डायरेक्ट में कैसे होता है। रिपोर्टिंग स्पीच के, रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट वर्ब या सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट किस गए हो सकता है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तीनों पर्सन सब्जेक्ट का भी काम कर सकते हैं रिपोर्टिंग स्पीच के सेंटेंस में और ऑब्जेक्ट का भी काम कर सकते हैं। रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पर फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यहां भी तीनों सब्जेक्ट काम कर सकते हैं, फर्स्ट भी कर सकता है, सेकेंड भी कर सकता है और थर्ड भी कर सकता है, और ऑब्जेक्ट के स्थान पर भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड काम कर सकता है। लेकिन जब हम इसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, चाहे वह फर्स्ट हो, सेकेंड हो, थर्ड हो, कोई भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लेस होगा, उसे हम चेंज नहीं करते। चेंज करते हैं तो सिर्फ इनडायरेक्ट में बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के जो सेंटेंस होते हैं उसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हम रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। अब कैसे चेंज करेंगे? मान लीजिए, चलिए एक सेंटेंस देखते हैं एग्जाम्पल में। यहां पर हम, यहां लिखा है एक सेंटेंस, ही सेड टू मी, ये रिपोर्टिंग स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच दिया होगा आई सेल्फ हेल्प यू। ठीक है, आई सेल्फ हेल्प यू। यहां पे देखिए सब्जेक्ट है, यहां पे ऑब्जेक्ट है, यहां भी ऑब्जेक्ट है, यहां भी सब्जेक्ट है। अब देखिए रिपोर्टिंग स्पीच में सब्जेक्ट के स्थान पे थर्ड पर्सन आया हुआ है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के स्थान पे फर्स्ट पर्सन आया हुआ है, फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस यहां चाहिए था इसलिए ऑब्जेक्टिव केस, लेकिन है किसका? फर्स्ट पर्सन का। अब देखिए यहां पे सब्जेक्ट के स्थान पे थर्ड पर्सन और ऑब्जेक्ट के स्थान पे फर्स्ट पर्सन आया हो। जब रिपोर्टेड स्पीच में देखते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट के स्थान पे फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट आया है बट ऑब्जेक्ट के स्थान पे सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट आया हुआ है। अर्थात मैंने क्या कहा कि रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पे से तीनों पर्सन, फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड में से कोई भी पर्सन यहां सब्जेक्ट का या ऑब्जेक्ट काम कर सकता है। रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में भी तीनों पर्सन में कोई भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट काम कर सकता है, बट जब इसे हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हमेशा रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज किया जाता है।
रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं किया जाता, और इन्हें जो चेंज किया जाता है वह चेंज किया जाता है रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अनुसार। देखिए, यदि फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट रिपोर्टेड स्पीच में है तो हम उसे फर्स्ट पर्सन को हमेशा किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। यदि रिपोर्टिंग स्पीच के सेंटेंस में चाहे सब्जेक्ट के स्थान पे चाहे ऑब्जेक्ट के स्थान पे यदि फर्स्ट पर्सन आया हुआ है, यदि यहां भी फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है जैसे होता, और यहां भी फर्स्ट पर्सन का जो है ऑब्जेक्ट होता, या यहां भी वी फर्स्ट पर्सन का ही है होता, यहां अस होता, तो हम इन्हें हमेशा किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। यहां पे जो सब्जेक्ट होगा वही सब्जेक्ट के स्थान पर लिखा जाएगा, और यहां जो सब्जेक्ट होगा उसी का ऑब्जेक्ट केस यहां ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखा जाएगा, यदि फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है तो। ठीक है, तो यहां एक सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है, कि ही सेड टू मी आई शैल हेल्प यू। अब देखो यहां पे फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है, जब हम इसे इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखिएगा आपको मैं यहां पे लिखता हूं, मैंने कहा है सब्जेक्ट सेम लिखा जाएगा, इनडायरेक्ट हम बना रहे हैं इसको ही, फिर सेड टू को हम टोल्ड में चेंज करेंगे टोल्ड, फिर मी को हम लिख लेंगे क्योंकि इसका रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होता, चेंज होता है सिर्फ वर्ब, चेंज होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या वर्ब चेंज होगा। तो चलिए पहले सब्जेक्ट चेंज करते हैं, फर्स्ट पर्सन अगर सब्जेक्ट यहां पे दिया हुआ है रिपोर्टेड स्पीच में तो फर्स्ट पर्सन का हमेशा हम रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। अब सब्जेक्ट स्थान पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड में चाहे जो भी सब्जेक्ट का स्थान होगा उसी का, तो यहां पे ही है यहां पे आई है, तो ये फर्स्ट पर्सन का क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट है और ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहां पे हम क्या लिखेंगे ही, सॉरी दैट लगाएंगे कंजंक्शन हटा के, फिर लिखेंगे ही, क्योंकि आई भी एक वचन का सिंगुलर सब्जेक्ट है और ही भी जो है थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम ही लिखेंगे। अब इसके बाद सेल को हम, ठीक है, वुड, ठीक, उसके बाद हेल्प, अब यहां पे यू है, हम यू को यू चाहे सब्जेक्ट के स्थान पर हो या ऑब्जेक्ट के स्थान पे, क्योंकि यू को हम क्या मानते हैं, यू को हम हमेशा मानते हैं लिसनर, और लिसनर इसमें कौन सा है, लिसनर मी होता है, स्पीकर कौन है ये, तो आई स्पीकर है, इसलिए आई हमेशा यानी फर्स्ट पर्सन हमेशा स्पीकर के अनुसार चेंज होगा, यू को हम लिसनर मानते हैं इसलिए हमेशा यह ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, क्योंकि मी को हम यहां पे रिपोर्टिंग स्पीच में लिसनर मानते हैं, तो यू यहां पे सेकंड पर्सन है और मी यहां पे फर्स्ट पर्सन है, तो हम यू को इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, तो यहां पे क्या हो जाएगा मी, क्या हो जाएगा मी, ठीक है, ही टोल्ड मी दैट ही वुड हेल्प मी, ठीक है, इस बातों को आप नोट कर लीजिए। आइए दूसरा सेंटेंस देखते हैं, ही सेड टू मी कामा इनवर्टेड कामा में यू विल हेल्प मी, इस डायरेक्ट स्पीच को अगर हम इनडायरेक्ट हम करेंगे तो हमें देखना क्या है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में सेकेंड पर्सन का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट आया हो, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, तो इसे अगर हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, हम सब्जेक्ट को सेम लिखते हैं, सेड टू को हम टोल्ड में चेंज करेंगे टोल्ड, फिर मी को ऑब्जेक्ट को सेम लिखेंगे, फिर दैट कंजंक्शन लगाएंगे नोटेड कामा और कामा को हटाकर, फिर अब आ गया सब्जेक्ट, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस आ गया और उसका सब्जेक्ट आया हुआ है, तो सब्जेक्ट सेकंड पर्सन का है इसलिए हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट पर्सन होता तो किसके अकॉर्डिंग चेंज करते सब्जेक्ट के अनुसार, इसलिए यहां पे सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट है तो हम सेकंड पर्सन को हमेशा ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, तो यहां ऑब्जेक्ट में जो होगा ऑब्जेक्ट यहां पे क्या है मी, मी मतलब यहां पे फर्स्ट पर्सन का जो आई होता है उसी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, तो हमें यहां चाहिए क्या सब्जेक्टिव फॉर्म, तो हम क्या लिखेंगे आई, आई, ठीक है, फिर आई शुड हेल्प, अब यहां पे देखिए मी जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म है किसका फर्स्ट पर्सन का, अब इसे हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट पर्सन को हम हमेशा किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के, रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन का यहां पे है तो हम इसके अकॉर्डिंग ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है हिम, ठीक है, ही टोल्ड मी दैट आई शुड हेल्प हिम, ओके, तो तीसरा सेंटेंस देखिए,
तीसरे सेंटेंस है आई सेड टू यू इनोटर गामा गामा में ही विल हेल्प मी। अब देखिए यहाँ रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट आया हुआ है, इसे हम कैसे चेंज करेंगे? आई टोल्ड यू दैट ही, थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है तो मैंने आपको बताया है कि थर्ड पर्सन का जो सब्जेक्ट होता है वो नॉन एक्टिव होता है, वो हमारे बातचीत में एक्टिव नहीं होता, शामिल नहीं होता, इसलिए हम उसे चेंज भी नहीं करते। इसलिए हम यहाँ पे ही को किसी के अकॉर्डिंग नहीं, ही को हम ही लिख देंगे। अगर ही सी इट दे या कोई नाम जैसे राम श्याम मोहन गीता कोई भी नाम आता है तो हम उसे भी चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि ही सी इट और दे और कोई नाम ये सब थर्ड पर्सन को होते हैं, तो इसलिए हम उन्हें चेंज नहीं करेंगे। के बाद वुड हेल्प, अब मी क्या है? फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट फॉर्म है यहाँ पे, ये किसके अनुसार चेंज होगा? सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट आई है इसलिए इसको हम मी ही यहाँ पे रखेंगे, ये यहाँ पे सही है, ठीक है, क्योंकि हम फर्स्ट पर्सन को हमेशा और सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का है तो इसलिए उसका मी ही होगा। आई टोल्ड यू दैट ही वुड हेल्प मी, ठीक है। अब आइए देखते हैं प्रोनाउन को चेंज करते समय हमें चार बातें ध्यान में रखनी होंगी। प्रोनाउन में चार चीजें होती हैं, जब हम नाउन से प्रोनाउन चेंज करने लगते हैं तो हमें चार बातें ध्यान देनी होती हैं। पहला केस, दूसरा नंबर, तीसरा पर्सन, चौथा जेंडर। चार चीजें। केस क्या है? सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस या रिफ्लेक्सिव केस, ये चार तरह के केस होते हैं। नंबर प्रोनाउन में दो तरह के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल, दो तरह के हमारे पास सिंगुलर नंबर होते हैं, एकवचन और बहुवचन। पर्सन, पर्सन तीन तरह के, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। जेंडर, लिंग क्या होते हैं? मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूट्रल जेंडर, ये चार तरह के जेंडर होते हैं। ही को हम मैस्कुलिन, सी को हम फेमिनिन जेंडर, आई वी यू दे को हम कॉमन जेंडर मानते हैं और इट को हम न्यूट्रल जेंडर मानते हैं, ठीक है। अब एक सेंटेंस से इस बात को समझते हैं कि ही सेड टू हर कामा इनोटेड कामा वी शैल वेट हियर, ही सेड टू हर वह मुझसे कहा, वी शैल वेट हियर हम यहां प्रतीक्षा करेंगे, ठीक है। अब इसे अगर आप इनडायरेक्ट में एक्सचेंज करेंगे कैसे करेंगे? ही को आप ही रखेंगे, सेड टू को आप टोल्ड में बदलेंगे, फिर हर इनोटेड कामा को हटाकर दैट कंजंक्शन, अब आ गया वी। अब देखिए ही सेड टू हर वह उससे कहा, वी शैल वेट हियर, अब वह जो है यहां जो प्रतीक्षा करने की बात कर रहा है तो वह अकेले कर रहा है या एक से अधिक? एक से अधिक, वह खुद नहीं, इस प्रतीक्षा में स्पीकर और लिसनर दोनों हैं। कौन कौन? स्पीकर भी है और लिसनर भी। ही सेड टू हर वह उससे कहा, वी शैल वेट हियर हम यहां प्रतीक्षा करेंगे, हम मतलब स्पीकर और लिसनर दोनों, ठीक है। यहां पे ही और हर यानी स्पीकर और लिसनर दोनों प्रतीक्षा करने की बात कर रहे हैं, दोनों मिलकर प्रतीक्षा कर रहे हैं। सिंगुलर, सिंगुलर फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट फॉर्म है। अब इसी का प्लूरल फॉर्म यानी जो होता है आई का प्लूरल फॉर्म वो क्या होता है? वी। आई का प्लूरल फॉर्म क्या होता है? बी। आई का प्लूरल फॉर्म होता है बी, अब यहां पे प्लूरल फॉर्म है वी। अब हम आई को हमेशा स्पीकर के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, यदि स्पीकर के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो यहां यदि हम ही को ही लिखते हैं तो ही क्या होगा? सिर्फ एक आदमी को दिखा रहा है, जबकि यहां दोनों के लिए है, तो एक जो है थर्ड पर्सन यानी ही में बहुवचन कर्ता कौन होता है? ही में बहुवचन कर्ता का होता है दे। क्या होता है? दे। अब देखिए ही और हर ये दोनों, ही और हर यानी ही और सी, सी का प्लूरल ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, ही सी दोनों थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट हैं
और दोनों के लिए प्लूरल का सब्जेक्ट उसमें क्या होता है, दे। तो यहां क्या आ जाएगा, दे। क्या लिखेंगे यहां पे, दे, दे शुड वेट देयर, हेयर को हम किस पे चेंज करते हैं, देयर में, ठीक है। ही टोल्ड हर दैट दे शुड वेट देयर, क्योंकि यहां पे स्पीकर और लिस्नर दोनों हैं और दोनों थर्ड पर्सन के ही जो हैं सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस में हैं, इसलिए हम इन दोनों पर्सन का जो प्लूरल फॉर्म दे होता है तो यहां पे हम दे लिखेंगे, ठीक है। बात समझ में आई इसको।